हाय नमस्कार, 1 अक्टूबर पर आपका स्वागत है और बहुत बेसिक डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे क्लाइंट्स को भी हेल्प हो और आप सबको भी हेल्प हो कि मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में, और मैं जामुच के मोस्ट वर्ड बोल रहा हूँ, ऑल नहीं बोल रहा क्योंकि एक एक्सेप्शन तो मुझे पता है, बिहार और एक दो और भी होंगे, जब आप NRI की ऑप्शन भी ऑप्ट करते हैं तो आप जनरल सीट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। देखिए राउंड टू में ऐसा हुआ कि मेरे दो स्टूडेंट थे, बिल्कुल समझ लीजिए 280 और 290 मार्क्स के, एंड दे वर वरीड, और उनकी भी कंडीशन थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में सीट की कमी नहीं है अगर आपके पास पैसा है तो, कि सर हमें नॉर्थ भी रहना है, बेसिकली बोथ आर फ्रॉम लोअर पंजाब एंड हिमाचल हरियाणा। तो उनको ये था कि सर ये जो है ना, बस ये पंजाब हिमाचल उत्तराखंड यूपी और हरियाणा इसी स्टेट में हमें सीट चाहिए, और 280-290 था। हालात को देख के मुझे लग रहा था कि इस बार सीट नहीं मिलेगी शुरू से इन मार्क्स पे। तो हमने दोनों के पास ही, मैं उन दोनों का एग्जाम्पल लूँ जिनके पास फर्स्ट ब्लड NRI था, हैं तो भी और भी 3-4 जो बेचारे खाली बैठे हैं। तो हमने हरियाणा का फॉर्म भरा, फॉर्म भर के NRI अपने आप को, तो हमेशा बोलते हैं, वो सवाल होता है डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू अप्लाई फॉर NRI, तो हमने यस करा। फिर वो पूछता है कि डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जनरल सीट, हमने यस करा। तो जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो हर एक कॉलेज प्रैक्टिकली दो बार दिखाई दिया, आदेश मैनेजमेंट सीट, आदेश NRI, NC मैनेजमेंट, NC NRI। और चॉइस फिलिंग में भी पहले हमने नॉर्मल सीटें भरी कि तो कैसे नॉर्मल सीट मिल जाती, और फिर नीचे NRI भरा, हम सभी कट ऑफ जानते हैं, तो क्रॉस करके हमें मिला। सेम MCC में होगा, सेम राजस्थान में होगा, कि जब आप यू आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर NRI तो आप नॉर्मल सीट के लिए भी एलिजिबल रहोगे। अगर आपको NRI नहीं जमती या पेपर वेरीफाई कराने भी आप नहीं जाते वगैरह वगैरह वगैरह, बिहार मुझे पक्का पता है कि एक बार आप NRI अडॉप्ट कर लेते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट NRI की सीट ही मिलेगी। बट मोस्ट जगहों पे जो सबसे कॉमन MCC हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें NRI की ऑप्शन लेने के बावजूद भी आप नॉर्मल सीट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो अभी जैसे MCC का कल परसों में स्टार्ट होगा राउंड 3, और फिर से वो मेल आएगी कि भाई जो भी अपने आप को NRI में फर्स्ट कन्वर्ट करना चाहता है, या एक्चुअली NRI कन्वर्ट इज़ नॉट द राइट वर्ड, तभी आप लोग कन्फ्यूज़ होकर डर जाते हो, द वर्ड आई शुड से कि NRI भी लेना चाहते हो, दैट इज़ अ मोर कॉम बेटर वर्ल्ड। तो आप MCC में भी उनको मेल भेजोगे अगर वो आपको अप्रूव करते हैं, तो जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो आपको नॉर्मल सीटें भी नजर आएंगी, तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो यू कैन टेक अ डिसीजन। जैसा मैंने कहा कि चॉइस फिलिंग में आप पहले सारी नॉर्मल सीटें भर दीजिएगा, नीचे NRI भरिएगा कि अगर नॉर्मल मिल गया तो बहुत अच्छा, हमें NRI में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे छोटे मोटी जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी भी हमसे संपर्क करना है, अब हम रिलेटिवली फ्री हो गए हैं, लेकिन आई एम अ प्रीमियम काउंसलर एज यू नो, 9643362320 मिनिमम चार्ज है 5000 रुपये बात करने का। और अब अक्सर आप में से वही खाली होगा जिसको NRI या राजस्थान या बेंगाल नेगोशिएटेड बैंक गारंटी नेगोशिएटेड सीट चाहिए, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कीजिए, और हमारे उसमें फीस 1.5 लाख रुपए रहती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।